जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर आपदा सचिव उत्तराखंड डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग के इस दौरान उन्होंने बताया कि जोशीमठ मामले को लेकर दोनों होटलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि 760 मकान अब भी खतरे के जद में और 4 वार्ड संवेदनशील भी चिन्हित किए गए हैं। वहीं जोशीमठ में 169 परिवारों को अभी तक विस्थापित किया जा चुका है। इन परिवारों में 579 लोग जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जोशी मठ में सेफ जोन में 344 कक्ष और पीपल कोठी में 491 कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रति परिवार आपदा प्रबंधन नियमानुसार अंतिम राहत राशि भी दी जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।